बखमूत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन की सेना लोगों को अब शहर से बाहर निकाल रही है। तो दूसरी तरफ रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब बखमूत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है जो कि वायरल हो गया है। तो बखमूत पे पिछले 4 महीने से लगातार रशिया की ओर से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं और ऐसे में तबाही का जो मंजर है वो दिन पर दिन और ज्यादा विभत्स होता जा रहा है और ऐसे में एक वीडियो भी सामने आ रहा है जो तबाही का आलम किस कदर बखमूत में है वो बयां कर रहा है। रूसी गोलों और मिसाइल से शहर बना शमशान, धमाकों से खंडहर बनी इमारतें, बारूद से बर्बाद हुई पूरी बस्ती, आग का गोला बनी गाड़ी, धुआं धुआं हुआ आसमान, ये तस्वीर उस शहर की है जो कभी गुलजार रहा करता था, लेकिन पिछले बरस जब युद्ध का आगाज हुआ तो देखते ही देखते पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। ये बखमूत है। दुनिया के नक्शे पर इस शहर की पहचान यूक्रेन के हिस्से के तौर पर है, लेकिन अब ये महायुद्ध की वो तपती हुई जमीन बन चुका है जहां चारों तरफ मौत का मंजर है और सिर्फ बाकी है तो बर्बादी के निशान। महायुद्ध में तबाह हो गया बखमूत। रूस के बारूदी हमले में शहर बना शमशान। पिछले बरस की 24 फरवरी को जब युद्ध का आगाज हुआ था उस वक्त ना सिर्फ पुतिन बल्कि पूरी दुनिया को इस बात का भरोसा था कि हफ्ते भर के अंदर यूक्रेन रूस के सामने हांफता नजर आएगा। युद्ध तारीख दर तारीख, महीने दर महीने खिंचता चला गया और अब एक साल बाद हालात ये बन चुके हैं कि पुतिन को खुद भरोसा नहीं रहा है कि उनकी पलटन यूक्रेन पर फतह हासिल कर पाएगी और यही वजह है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक वक्त में जो हाल रूस की सेना ने खेरसौन का कर दिया था अब उसी तरह की तस्वीर बखमूत से सामने आ रही है। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जो बखमूत शहर का बताया जा रहा है जिसमें पूरा शहर सुनसान नजर आ रहा है, इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। दावा किया गया कि रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक वीडियो में कार और आसपास की जगहों पर आगजनी होती देखी। आग लगने की वजह से पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया था। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना नागरिकों को शहर से भागने में मदद कर रही है, लेकिन रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल है।